एक बार लास्ट बार देख लो यार मेरे रूम को अभी कैसा दिख रहा है। बैकग्राउंड देख लो पहले यार, बैकग्राउंड कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखो अंदर अलग सीन लग रहा है यार, कोई मतलब ऐसे एरिया में आके। तो एक बार आपको लास्ट बार ये रूम दिखा देता हूँ। पापा इसका रेंट पूछ रहे हैं, तो मैंने बताया इसका 20 रुपये रेंट है, बट जो लाने ले जाने का है ना वो 150 रुपी पर साइड का, एक साइड का। फिर पापा बोल रहे थे खुद चल के नहीं आ जाती क्या। बहुत ध्यान रख रहा हूँ यार एक एक चीज का। अभी मैंने भैया को बताया जैसे यहाँ पे एक कील रह गई है तो ये भी निकलवा के ये भी हटवानी है। अब यहाँ दीवारों पे सीनरी वगैरह कुछ नहीं होगी, बस इस दीवार पे सिल्वर प्ले बटन होगा तुम्हारे भाई का। तो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो गाइस फाइनली वो ऐतिहासिक दिन आ चुका है जिसका आप सबको वेट था। आज से ना मेरे रूम का रेनोवेशन शुरू हो रहा है, फाइनली वो दिन आ चुका है। बहुत टाइम से इस दिन का वेट कर रहा था, बहुत इमोशनल हो रहा हूँ यार आज। बहुत मेमोरीज जुड़ी थी इस येलो कलर से, मतलब हमेशा ऐसा फील आता था मैं मैकडी में घूम रहा हूँ यार। बहुत सारी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, हमेशा उसमें खाना खाता तो भी ऐसा लगता था कि मैकडी में बैठ के नॉर्थ इंडियन फूड खा रहा हूँ। आज वो दिन आ चुका है जब ये मैकडी वाला थीम इस घर से जाने वाला है। जो मेरे ड्रीम था ना यार यूट्यूब स्टूडियो बनाने का, तो वो अपने अकॉर्डिंगली ही कर रहा हूँ। कल के वीडियो में आपने देख लिया होगा मैं पेंट वगैरह और लेके आया था, और इस बार अलग शेड लेके आया हूँ थोड़ा सा अपने रूम के लिए। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे रूम में कितना काम हो चुका है, और उसके बाद दिखाता हूँ मेरे यूट्यूब स्टूडियो की फाइनल लुक आपको। एक बार लास्ट बार देख लो यार मेरे रूम को अभी कैसा दिख रहा है। बैकग्राउंड देख लो पहले यार, बैकग्राउंड कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखो अंदर अलग सीन लग रहा है यार, कोई मतलब कुछ ऐसे एरिया में आके। तो एक बार आपको लास्ट बार ये रूम दिखा देता हूँ, अब से आपको ये रूम नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। मतलब एक एक चीज कंप्लीट होगी जैसे एज इट इज। आप ये है रिपेयरिंग करनी है, ये पूरा रिमूव कर दिया था, यहाँ पे पूरी रिपेयरिंग होगी। यहाँ पे जितने भी होल्स हैं वो भरे जाएंगे, जो भी ए टू जेड जितने भी होल्स हैं वो सारे भरे जाएंगे। मैंने कर्टेन्स उतार दिए थे यहाँ पे, देखो यार मैंने जुगाड़ कर रखे थे एसी का, वो था ना एसी का पाइप जाता है यहाँ से, तो मैंने उसके अंदर ना कर्टेन्स वगैरह भरे हुए थे। यहाँ पे मेरी फोटो हुआ करती है, सब कुछ हटा दिया सब कुछ। देखना यार कितना ज्यादा डर्टी हो रखा था, बहुत ज्यादा जरूरी था यहाँ पे पेंट होना। पेंट का क्या है यार, पेंट से ना पॉजिटिविटी भी आती है। अगर कलर्स आपके आसपास के ना आपको पसंद हो तो आप उठते हो ना तो पॉजिटिविटी के साथ उठते हो। और ये देख लो ये इसमें अलमीरा थी, इसका कलर जो है ना उसके अकॉर्डिंगली मैंने कलर सेलेक्ट किए हैं। इससे मैच करेंगे डेफिनेटली बहुत अच्छे लगेंगे। अभी फिलहाल आपको एक बार वॉशरूम भी दिखाया था, वॉशरूम की क्या हालत है ये देख लो यार। यहाँ पे भी येलो येलो कर रखा है, येलो ये खत्म करेंगे, ऊपर का है वो भी येलो खत्म करेंगे ना। ये जो मेन दीवार है इसको सोच रहा हूँ मैं ये बैकग्राउंड के लिए यूज करूंगा, जो भी यूट्यूबर्स का होते हैं ना, तो फैंसी सा बनवाऊंगा, बहुत अच्छा बनवाऊंगा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार। और ये है ये भी मतलब मेन दीवार, इसको भी यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। और मेरे रूम में यार ये दीवान ही है, फर्नीचर लेना है अभी, बहुत पुराना है, बहुत सालों से अपग्रेड नहीं किया है, लेकिन डेफिनेटली बहुत जल्दी लेंगे। फैन देख लो यार, ये फैन बहुत भद्दा है, ये साफ आया था, इसका कुछ नहीं कर सकते यार। ऐसी चीज़ों में पैसे वैसे नहीं खर्चूंगा मैं, जिनसे काम चल रहा है चलने देंगे। और यहाँ के लिए ना मैं कर्टेन्स अभी उतारे हैं, तो कर्टेन्स नहीं लेके आऊँगा, जो पेंट का कलर होगा ना उससे मैचिंग ही लेके आऊँगा। तो अभी एक बार मैं इस दीवान को बाहर निकाल देते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। तो तुम्हारे भाई ने सरका सरका के पैर से सरका सरका के उस कॉर्नर पे तो लगा दिया है ये। अब इसको बाहर निकालना है, उसके लिए हेल्प चाहिए, क्योंकि इसको ना टर्न करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ेगा, उस साइड मोड़ के फिर जाएगा, क्योंकि ये जो एरिया है ना दरवाजे के इस एरिया में से एज इट इज़ निकलेगा नहीं सीधा, थोड़ा सा उससे ज़्यादा बड़ा है इसका साइज़, तो अब इसको टेढ़ा करके निकालना पड़ेगा। अभी एक बार आप रहने दो, मैं उनको बोल दूंगा, वो उठवा देंगे, मैं अकेला भी उठा लेता यार, लेकिन ना उसका एक रीज़न है। दिखाई दे रहा होगा ना ग्लास अभी क्लियर नहीं है, बट आपको फिर भी ये निशान दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले जो निशान है, इन जो होती है ना बोन उसी में प्लेट डली हुई है, तो ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं कर पाता हूँ, सामान ज़्यादा उठा नहीं पाता हूँ, इसलिए हेल्प लेनी पड़ती है। अभी दीवान है वो बाहर निकाल दिया टेढ़ा करके, और इसको क्या है यहाँ से पकड़ रखा था, खुल ना जाए, इसमें बहुत सारा सामान है, मम्मी की अमानत है बहुत सारी। तो अभी एक घोड़ी लेके आनी है अंदर, वो देखते हैं, ऊपर से उठा के लेके आनी पड़ेगी, और फिर अब इस कमरे का काम शुरू हो जाएगा यार। बस प्रे करना है बेस्ट से बेस्ट हो। इसकी जो ये है ना ऊपर की जो वॉल सीलिंग वगैरह बना रखी, डिज़ाइन बहुत बेकार है, बहुत पुराना है, आजकल बहुत नए नए चल रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे भी ना POP करके सारा कुछ भरवा लूँगा, उसके बाद फिर ये मेरा बैकग्राउंड होएगा होपफुली यार, ये बहुत अच्छा हो। फिर ये उतार दूंगा यार, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है ये लिखा हुआ। और मैं सोच रहा हूँ एक बार पेंट वेंट हो जाएगा ना यार, इस पे तो अभी बहुत सारे छींटे पड़ेंगे पेंट वेंट के, अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ उससे पहले ना सर्फ से या डिटर्जेंट से ना गीला कपड़ा लेके पूरा क्लीन कर देता, क्योंकि जो इसका वाइट वाला एरिया है ना वो थोड़ा सा इस पे डस्ट वगैरह निशान है बहुत सारे, बिल्कुल क्लीन करूंगा सारा कुछ, डेफिनेटली आपको ये बेस्ट से बेस्ट दिखाई देगा। बस अभी वेट करते हैं पेंट का काम शुरू हो जाए, और फिर देखते हैं कौन से शेड आए हैं इसके लिए। अभी पापा से मैं पूछ रहा, पापा इसका रेंट पूछ रहे, तो मैंने बताया इसका पर डे का रेंट 20 रुपये है। अभी दूसरे घर में भी काम होना है, पापा बोले रख ही लेंगे। फिर मैं बता रहा था पापा को इसका 20 रुपये रेंट है, बट जो लाने ले जाने का है ना वो 150 रुपी पर साइड का, एक साइड का। फिर पापा बोल रहे थे खुद चल के नहीं आ जाती क्या। पापा ने मतलब जोक मारा, हाँ मतलब वो ये चलना चाहिए, इसका नाम पता नहीं क्यों रखा है, इस पर चढ़ते हैं शायद इसलिए।
काम शुरू हो चुका है, पीओपी वगैरह भैया ने बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ की पहले रिपेयरिंग होएगी क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ख़राब था ये ना, मतलब धीरे धीरे इस पर क्या होता है सीमेंट निकलता भी था, घर में भी वो कूड़ा होता था, अभी तो ये भी तोड़ना पड़ेगा इस टाइप का। कौन सा ये वाला पूछ रहे हो? हाँ ये वाला पीओपी है। पीओपी और साथ में दूसरा क्या मिलता है इसमें? मतलब ये बस पीओपी से ही हो जाएगा? तो ये वाला ना आप प्योर रखना, ये वाला रूम ना अपने को सबसे मजबूत सबसे बढ़िया चाहिए है, इसमें मटेरियल जितना हो सके बढ़िया से बढ़िया ही लगाना पूरा। ना ना निकाल दो, निकाल दो। कौन सा ये हुक कुंडे पर्दे वाला ना? पर्दे वाला पड़ेगा ना? हाँ ये निकाल दो, ये सारी निकाल दो, इसके अलावा जो भी दिखे ना ये छोटी मोटी भी सारी निकाल देना, क्योंकि अभी यहाँ एसी वेसी तो लगवाना नहीं इस बार शायद। और देख लो यहाँ पे काम शुरू हो चुका है, यहाँ पे भैया वो कर रहे हैं इसकी ना भैया फिनिशिंग बढ़िया से बढ़िया करना जो है ना, ये वाली दीवार है ना जो मेन, अपने को यही बैकग्राउंड बनाना है यूट्यूब के लिए। तो देखो यार लेफ्ट पे अभी ये रिपेयरिंग चल रही है, रिपेयरिंग करें बिल्कुल बैलेंस कर देंगे इक्वल जो होती है दीवार का। और इस साइड भी यानी प्राइमर शुरू कर दिया इसका जो फर्स्ट कोटिंग है ना इसका, ताकि येलो कलर छिप जाए। उसके बाद आपको सरप्राइज है दिखाऊंगा मैंने यहाँ के लिए कौन सा कलर सिलेक्ट किया है। इसमें ये जो था ना पहले येलो कलर था वो तो बड़ा ही वाहियात लगता था, इसमें फिल्टर भी लगा लो ना फिल्टर के बाद भी अजीब सा येलो था। और यहाँ पे येलो भी ना दो तीन टाइप के मिक्स थे, देखना यहाँ पे ये वाला थोड़ा डार्क है इस एरिया में, यहाँ पे मतलब जो था जिसने पहले करवाया होगा ना जिसका जो बच रहा था सारा कुछ इसी रूम में लगा दिया, हर तरीके के शेड बना दिए, देखना वहाँ पे अलग येलो है यहाँ पे अलग येलो है। एक बार यार देखना इस रूम को देखते हुए, इस रूम को देखो और एकदम से अगर आप बाहर निकलते हो यूं नहीं यार फीलिंग आ रही है कहीं और ही आ गए, किसी और रूम में किसी और घर में आ गए। तो गाइस देख लो अभी कितना काम हो चुका है, देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ वो थे ना डैमेज था वो देखो आपको होल दिखाई दे रहा था ना यार वो भी पूरा भर दिया, बाकी सारा भी कर दिया, यहाँ पे वो कीलें थी वो भी निकाल दी। और मैंने यार अपने रूम के लिए ना ये वाला कलर सोचा था, मजाक कर रहा हूँ यार पर्पल कलर थोड़ी करवाऊंगा यार, अलमारी का मैं बोल रहा है ना आपको बुरा हाल होएगा, तो बुरा हाल हो चुका है। अभी क्या है इकट्ठी ही सफाई करूँगा, जब भी हो जाएगा ना पूरा कंप्लीट तो कपड़े से सर्फ वगैरह डिटर्जेंट वगैरह लेके ना उससे क्लीन करूँगा पूरा। और अभी देख लो यार कितना डैमेज था यहाँ पे, कितनी ज़्यादा वो यूज़ करनी पड़ी है देखना हर जगह, बट ये एटलीस्ट अपना आप वॉल है ना उस पर फिनिशिंग आएगी बहुत अच्छी आएगी। और अब यहाँ पे फर्स्ट कोटिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर अपना ये वॉशरूम है उसमें भी होएगा पूरा। अभी जो ये है ना यार इन्होंने ये फिलिंग करी है तो ऐसा नहीं है कि एज इट इज ही रहेगी, इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि वो जो होल है ना उससे ऊपर हो जाए। अभी जब ये सूख जाएगा ना तो उसको रेग मार से पूरी फिनिशिंग करेंगे, पूरा रगड़ के बैलेंस कर देंगे इक्वल कर देंगे जितनी वॉल है ना। और देखो यहाँ पे जो डैमेज था वो पूरा कंप्लीट कर दिया, पूरा भर दिया अच्छे से। अब इस पर देखते हैं यार एक बार ये सूख जाए, वेट करते हैं थोड़ी देर। और पापा यहाँ पे घूम रहे हैं, पापा क्या उठा लाए वहाँ से? कहाँ? अच्छा अच्छा हाँ अच्छा हाँ हाँ वहाँ पे तो वैसे तो पेंट वेंट ही करा लो यार, पेंट वेंट ही करा लो वो सही है, यही जो जैसे करवाया है ये वाला जिस टाइप से करवाया है इसी टाइप के लाइट कलर करवा लेना। तो गाइस अभी मैंने ना एक बार पंखा बंद कर दिया क्योंकि थोड़ा जो काम कर रहे हैं ना कहीं ऐसा ना हो लग लुक जाए यार, तो इसलिए मैंने बंद ही कर दिया। और ये देख लो रूफ पे ना फर्स्ट कोटिंग ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है, और अब आपका ये लास्ट व्यू है कि येलो कलर खत्म होने वाला है इसको, इसके बाद आप मिस करोगे बहुत ज़्यादा, मैं भी बहुत मिस करूंगा इस येलो कलर को, फिर ऐसा ऐसा दिखाई देगा बैकग्राउंड पूरा। दो बज चुके हैं अभी देख लो कितना काम हो चुका है अभी, यानी जो ये ऊपर का है ना ये फर्स्ट कोटिंग कर रहे हैं, पीओपी वगैरह हो गई थी, फिलिंग वगैरह सारी हो गई थी, अभी इस पे सरफेस को क्लीन करना है बराबर करना है एक मार से। और अभी बाथरूम है ना जो मेरा वॉशरूम है यार अटैच वॉशरूम है, इसमें भी काम शुरू हो चुका है आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे वो कर रहे हैं थोड़ा सा धूल मिट्टी वगैरह है ना जैसे जाले वाले लगे हुए हैं वो हटा के उसके बाद यहाँ पे कोटिंग कर रहे हैं, दो कोटिंग होगी इसके ऊपर वाले पे भी और नीचे वाले पे भी, सेम वैसा हो जाएगा जैसे पिछले वाला आपने देखा। ये क्या फाइबर की बस शीट रख रखी है क्या? हाँ मतलब कर रखा है जुगाड़ सा कर रखा है यहाँ पे। तो ये है ये जब ग्रे कलर हो जाएगा ना ग्रे सूखने के बाद काफी अच्छा लगेगा, इतने ये बाहर कर लेते हैं। और मैं बहुत ध्यान रख रहा हूँ यार एक एक चीज का, अभी मैंने भैया को बताया है जैसे यहाँ पे एक कील रह गई है तो ये भी निकलवा के ये भी हटवानी है। अब यहाँ दीवारों पे सीनरी वगैरह कुछ नहीं होगी, बस इस दीवार पे सिल्वर प्ले बटन होगा तुम्हारे भाई का। आई होप आपने देख लिया होगा अभी कितना काम हो चुका है, अभी फाइनली क्या है आज आज के दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है तो मैं इसको अभी यहीं पेंड कर देता हूँ और आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आता हूँ मेरा जो यूट्यूब स्टूडियो है वो बनके कैसा तैयार हुआ है, अभी तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी है आपके भाई को, अभी तो पेंट वेंट हो रहा है यार, पेंट होने के बाद जो स्टेन्स के निशान हो जाते हैं ना तो वो भी उतारने पड़ेंगे। और आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये काम पेंटर्स का ही होता है, बट मैंने उनसे बात करी थी तो उन्होंने मना कर दिया, बोले ये हम नीचे का फ्लोर वगैरह क्लीनिंग वो सब नहीं करेंगे, कोई नहीं मैं कर लूंगा मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी।
कल आपको इसका फाइनल लुक देखने को मिलेगा डेफिनेटली, बहुत ही जो प्यारा है, जो मैंने कलर सिलेक्शन किया है बहुत ही प्यारा है। तो अभी इस वीडियो में मैं यही पेंट कर रहा हूँ। अगर आज का वीडियो, आज का ब्लॉग, आज का रेनोवेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने कमेंट्स ऐसे ही बनाए रखो यार। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज हैं। बस अभी इस वीडियो को यही पेंट कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।